जींद डीसी अमित खत्री ने कहा कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य छुपी होती है। इस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए। यह कार्य कोई भी व्यक्ति एवं संस्था कर सकती है। इस कार्य में जिला बाल कल्याण परिषद विशेष भूमिका निभा सकती है। डीसी ने यह बात जिला स्तरीय बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय बाल भवन परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीसी अमित खत्री ने प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर किया। कार्यक्रम में से एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। आज इंट्स पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, मोतीलाल पब्लिक स्कूल, अंकुर शिक्षण संस्थान, एसजी कन्या विद्यालय नरवाना समेत कई विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने हरियाणा की समृद्ध सभ्यता एवं संस्कृति के दर्शन करवाए। कार्यक्रम में दिव्यांग अभिषेक ने भाषण देकर सभी को आश्चर्यचकित किया। अभिषेक ने हिंदी फिल्मों की गाने में भी सुनाए। हालांकि दिव्यांग होने की वजह से उसकी आवाज़ कई बार लड़खड़ाई, लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से अभिषेक का हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने मित्र संबोधन में आगे कहा कि मात्र पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आने से प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बच्चे में खेल व अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभा हो सकती है, इसलिए बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। जिनसे ऋषि मेहंदीरत्ता, आजाद टीवी न्यूज। बाल दिवस पे आज पुरस्कार वितरण एवं एक सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया है बाल भवन के परिसर में, और ये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है हमारे बच्चों की जो अनेकों ऐसी छुपी प्रतिभाएं होती हैं, पढ़ाई से अलग अनेकों और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको आज एग्जिबिट करने का साथ में उनको फिर हम अवार्ड भी करते हैं। ये बाल दिवस के उपलक्ष्य में मेरे सब बच्चों को बहुत बहुत परिश्रम करें, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपकी प्रतिभा चाहे कुछ भी हो, परंतु आप उसमें पूर्ण परिश्रम करें तो आप जरूर तक उसमें सफल होकर बढ़ें।